हिमाचल प्रदेश जीके का लेक्चर नंबर 5 होगा और आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रावी रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। सबसे पहले हम मैप पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि मैप के बारे में। देखिए, अगर आप इस मैप को देखो तो इस मैप के अंदर आप चंबा डिस्ट्रिक्ट देख रहे होंगे, जहाँ पर ये मेरा पेन चल रहा है। ठीक है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है और नीचे आ जाता है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये जहाँ पर ये मेरा पेन चल रहा है, ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और चंबा के बॉर्डर पर, यहाँ पर जहाँ मैंने ये पेन चलाया, यहाँ पर धौलाधार रेंज है। धौलाधार रेंज का ही एक्सटेंशन है इधर, यहाँ से ओरिजिनेट होती है रावी रिवर। ठीक है, तो रावी रिवर आपसे ओरिजिन पूछा जा सकता है कि रावी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए रावी रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट से ही, ऐसा पूछा क्वेश्चन जा सकता है कौन से डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, तो आंसर होना चाहिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये मैंने यहाँ पर चंबा डिस्ट्रिक्ट का मैप लिया है और चंबा डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हो ये जो रेंज है, ये धौलाधार रेंज है और इसी धौलाधार रेंज का एक्सटेंशन यहाँ पर, ये जहाँ पर मैंने पेन चलाया, इसका एक्सटेंशन बारा बंगाल, ये एक रेंज है, किसकी? धौलाधार रेंज का एक्सटेंशन है ये। तो यहाँ से एक रिवर, एक ग्लेशियर है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बादल ग्लेशियर, बादल ग्लेशियर। और बादल ग्लेशियर से जो रिवर ओरिजिनेट होती है, बादल से जो रिवर ओरिजिनेट होती है वो बादल रिवर है, बादल रिवर। ये बादल रिवर के लिए, यही बादल रिवर आगे चलकर क्या बन जाती है? रावी रिवर बन जाती है। तो क्योंकि ये सब जितने भी ग्लेशियर हैं, छोटे मोटे ग्लेशियर, ये सब क्या काम करते हैं, ये अपना जो भी जितना भी पानी होता है उस पानी से इंडिश करने की कोशिश, इंडिश करते हैं इनको, ये जो रावी रिवर देख रहे हो इसको इंडिश करने का काम करते हैं। अब रावी रिवर जैसी, देखिए कहाँ से ओरिजिनेट होती है, आपको पता होना चाहिए, दिस इज द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बारा बंगाल जगह जो ये रेंज जो है, इसी से ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करता है, तो इसी से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर एक बादल ग्लेशियर है तो यहाँ से ओरिजिनेट होती हुई, उसके बाद में ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करेगी, चंबा डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा बॉर्डर बनाएगी। देखिए बॉर्डर बना रही है किस किस के बीच में, ये जम्मू एंड कश्मीर है, दिस इज द जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू और कश्मीर के बीच में थोड़ा सा नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए कि कौन सी रिवर जम्मू कश्मीर के बीच में नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करती है, तो ये हमारे पास जम्मू कश्मीर आ जाएगा। उसके बाद में अगर आप ये देखो, ये कौन सी जगह आ जाएगी, ये इधर की साइड में, ये पंजाब आ जाएगा और ये आपको पता है जम्मू कश्मीर है, JNK। यहाँ पर एक डैम है, यहाँ पर ये डैम रंजीत सागर डैम, आपसे पूछा जा सकता है कि रंजीत सागर डैम कौन सी रिवर पर लोकेट करता है, तो रंजीत सागर डैम एक रावी रिवर पर लोकेट करता है और किन दो स्टेट के बीच में, एक तो हमारे पास जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और द पंजाब के बीच में। देखिए ये यहाँ पर आइए, तो अब ऑप्शन देख लेना, ऐसा भी हो सकता है अगर ऑप्शन के अंदर जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर नहीं दिया गया, केवल पंजाब दे रखा, तो आपका ऑप्शन पंजाब होना चाहिए। और मान लो ऐसा नहीं दिया गया, जम्मू कश्मीर पंजाब नहीं दिया गया और ये दे रखा है ऑप्शन जम्मू कश्मीर पंजाब और हिमाचल प्रदेश, तो आपका आंसर तीनों होंगे, तीनों के बॉर्डर पर लाई करता है। क्योंकि देखिए किसी कहीं पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि तीनों के बॉर्डर पर, कहीं इन्फॉर्मेशन दी हुई है पंजाब के अंदर, कहीं इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये जो है जम्मू कश्मीर और पंजाब के अंदर लोकेट करता है। तो जब एग्जामर क्वेश्चन पेपर को सेट करेगा, पता नहीं वो किस रिसोर्सेज कर रहा है, तो आप उसको एक बार देख लेना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। जैसे मैंने बताया कि ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये जो देख रहे हो ये ब्यास रिवर, ये अलग से सेपरेट लेक्चर में हम कवर करेंगे। और मैंने आपको बताया कि दिस इज द धौलाधार रेंज। जरा अब इस इन्फो इन और इसके रावी रिवर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए रावी रिवर का, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेंथ कितनी है, डिस्टेंस हिमाचल प्रदेश में कितनी है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। ओरिजिन देखिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से होता है, जैसे आपको पता है कि वहाँ पर बारा बंगाल एक जगह है, दिस इज द ब्रांच ऑफ द धौलाधार, जैसे मैंने पहले भी बोला था ये धौलाधार का ही एक्सटेंशन है। तो वहाँ पर एक ग्लेशियर है बादल, वहाँ से एक रिवर निकलती है बादल, और बादल जो रिवर है ये तंतगिरी बोल दो इसको, इज द सेम थिंग, एक रिवर है, तो छोटी सी स्ट्रीम है, मतलब इधर से तंतगिरी निकलेगी और यहाँ से बादल रिवर बादल निकलती है, तो दोनों का मर्ज हो जाता है, एक बड़ी रिवर बन जाती है। फिर उसके बाद में यही आगे चलकर रावी रिवर का रूप ले लेती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो बादल रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो आप बताओगे बारा बंगाल। बारा बंगाल एक रेंज है, बारा बंगाल रेंज आप देख रहे हो, ये बारा बंगाल, बारा बंगाल एक रेंज है, बारा बंगाल रेंज के अंदर है ग्लेशियर, उस ग्लेशियर का नाम है बादल, तो वहाँ से जो रिवर है वो बादल या भादल, ठीक है, एक अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो आप देख लेना एक बार।
और इसका अगर इसमें वेदास की बात की जाए तो वेदास में जो इसका नाम है रोशनी, रोशनी नाम है इसका, और इरावती नाम है संस्कृत में, इसको इरावती बोला जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसी रिवर? हर टाइम पानी फ्लो होता है। पेरेनियल रिवर है, इसमें हर टाइम पानी फ्लो रहता है, ऐसा नहीं कि बरसात आने पर ही पानी, हाँ उसका लेवल बढ़ सकता है। ये मैं आपको एक और मैप, हाँ मैं आपको यहाँ पर रंजीत सागर डैम के बारे में बता देता हूँ। तो ये रंजीत सागर डैम है, इसका नाम एक और ये भी होता है, तो आप इसको देख लेना एक बार, बस एक बार ऐसा नज़र मार लोगे तो आपको याद आ जाएगा। वहाँ पर ये डैम है, मैंने देखिए यहाँ पर दिया, ये ऊपर जम्मू कश्मीर हो गया और ये हिमाचल प्रदेश हो गया, और नीचे देखिए ये जो है ये हिमाचल प्रदेश, जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, हिमाचल प्रदेश, नीचे पंजाब है, ऊपर हिमाचल प्रदेश के बीच में बॉर्डर है। तो पूछा जा सकता है भाई जम्मू कश्मीर के बीच में है ये रंजीत सागर डैम या लेक या पंजाब में। देखिए मैंने जैसे कहा कि पंजाब में भी दिया हुआ है किसी किसी सोर्स के अंदर, किसी सोर्स के अंदर जम्मू कश्मीर, दोनों के अंदर, किसी सोर्स के अंदर तीनों के अंदर दिया गया है। तो एक और बात आपसे मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप ये देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन जो है इधर हिमाचल प्रदेश आ गया और यहाँ पर पंजाब आ गया और इधर आ गया JNK। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर है जो ट्राई जंक्शन बनाती है, किस किस के बीच में ट्राई जंक्शन बनाती है, ट्राई जंक्शन बनाती है हिमाचल प्रदेश के बीच में, पंजाब के बीच में और जम्मू कश्मीर के बीच में, तो ये रावी रिवर है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैंने कोशिश की है कि आपको सिंप्लीफाइड करके सारी चीज़ों को समझाया जाए, आप देख सकते हो। एक और क्वेश्चन याद रखना है, जो ये कौन सी रेंज है, जो भी मैंने बताया था, दिस इज द धौलाधार रेंज, और धौलाधार रेंज ये जो रेंज देख रहे हो आप, ये रेड कलर का जो मैंने पेन चलाया, ये रावी रिवर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यार धौलाधार रेंज ये सॉरी क्या रावी रिवर धौलाधार रेंज के पैरेलल, अगर उसको कुछ क्वेश्चन लेवल बढ़ाना है, डिफिकल्ट करना है, तो वो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि धौलाधार रेंज रावी रिवर के पैरेलल है, या जो धौलाधार जो है रावी रिवर के पैरेलल है, या एक दूसरे के पैरेलल। तो हाँ सही बात है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और मैंने यहाँ पर और थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन डाली हुई है मैप के थ्रू, कोशिश किया है कि चीज़ों को जल्द जितना भी हो सके सिंप्लीफाइड किया जा सके, तो आप इसके बारे में देख सकते हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, एक और ये मैप है आप इसके अंदर देख सकते हो, और हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर धौलाधार रेंज है और यहाँ पर बादल ग्लेशियर है, और यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है और ऐसे निकलती है, सॉरी हाँ ऐसे निकलती है, ये फिर ऐसे बॉर्डर से एंटर करती है। ये मैंने यहाँ पर, और इसकी कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी के बारे में देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए इसकी जो थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटी सारी, ये सब के बारे में पता हो। ये एक और पता होना चाहिए कि चंबा वैली है, ये जो रिवर है चंबा वैली से फ्लो फ्लो करती है, और चंबा वैली जो है मिल्क और हनी के लिए फेमस है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबा वैली बीच बीच वैली इज़ फेमस फॉर द मिल्क एंड द हनी। तो आपको पता होना चाहिए कि चंबा वैली इज़ द फेमस फॉर द मिल्क एंड द हनी के लिए, बहुत ही फेमस ज़्यादा है। और इसके अंदर दो, बस आपको अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो वेल एंड गुड, थोड़ा सा पता हो। इतनी भी इम्पोर्टेंट रिवर नहीं है ये, क्योंकि तो बहुत छोटी रिवर है, ज़्यादा बड़ी भी रिवर नहीं है। तो अगर आपको मतलब एक दो बार आप पीछे वाले क्वेश्चन देखोगे जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए, तो आपको पता लग जाएगा कि कमीशन किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो ये था आज का लेक्चर, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।